देखिए दिवाली का त्योहार तो ऐसा त्योहार है जो बिना आतिशबाजी के पूरा हो नहीं सकता, लेकिन भैया प्रदूषण स्तर का क्या भाई? ऐसे में एक हमारे पास ऑप्शन है, नहीं नहीं ग्रीन क्रैकर्स की बात नहीं कर रहे, आई मीन ऑफ कोर्स, लेकिन अ बेटर टेस्टियर वर्जन ऑफ द क्रैकर्स, यानी कि आहा चॉकलेट के रॉकेट या फिर चॉकलेट अनार, कहिए कैसी रही। वैसे आतिशबाजियां जहां यहां हम मिठास भरी कर रहे हैं, वहीं हमारी डॉक्टर ईशानी यानी सुरभि चांदना भी खास सास बहू और साजिश के साथ बस पूछे नहीं पटाखों की बौछार कर रही हैं। दिवाली। सो ये मेरा पहली बार है जो मैं सास बहू साजिश के साथ दिवाली मना रही हूँ, एंड मुझे दिए जलाना मेरा डिपार्टमेंट होता है एवरी ईयर दिवाली पे, ये ट्रेडिशन है, और दूसरा डिपार्टमेंट होता है रंगोली। तो एक ट्रेडिशन मैं एक्चुअली यहाँ कर चुकी हूँ, अगर मैं शूट कर रही हूँ उसे सपोजिडली, तो मैंने यहाँ कसर पूरी कर दी। थैंक यू, एक्चुअली मैं कभी ऐसा किया नहीं है, इट्स माई फर्स्ट टाइम। लक्ष्मी मैया आप सुन रहे हैं, आ रहे हैं आप मेरे घर, मेरे ये वाले कमरे में। सो इट्स माई फर्स्ट टाइम मैंने दिए जलाए अपने रूम में, इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू ट्रेडिशन। थैंक यू सो मच, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा यार। और थोड़ा सा आरती ने बहुत स्मार्टली मुझे ब्राइब भी किया, आपको पता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे व्यंजन, बोलते हैं व्यंजन है, तोरण। सो इट्स अ ब्यूटिफुल तोरण, आप देख सकते हैं, ये मैं अपने रूम के बाहर लगाऊंगी। आप देख सकते हैं स्वास्तिक है, लक्ष्मी माँ है, कलश है, गणपति बप्पा हैं, एंड शुभ लिखा है, शुभ लाभ बोलते हैं, एक्चुअली शुभ लाभ बोलते हैं, शुभ दीपावली बोलते हैं, और ये भी लक्ष्मी माँ ही हैं, एंड सरस्वती माँ ये रहे, एंड कलश अगैन एंड गणपति बप्पा। आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल तोरण। मम मेक्स अ लॉट ऑफ पकौड़ाज शाम को, वो स्पेशल, वो मैंने देखा है हर साल वो फॉलो करती हैं, वो पकौड़े तो होते ही हैं, चाहे वो गोभी के, आलू के, प्याज के, पालक के, मिर्ची के, सब मिक्सचर पकौड़ा होगा, नॉर्मल खाना होता है, एंड पकौड़े तो फॉर श्योर होते ही हैं। हम पत्ते खेलते हैं, पर कैसे पत्ते पूछो, दो पे दो, चार पे चार, पत्ते पे पत्ता, लाइक किड्स, और उस पर हम दो दो तीन तीन रुपए की बेट भी लगाते हैं, किस से के खेलना चाहिए, चाहे वो 4 रुपए के लिए हो, 5 रुपए के लिए हो, 10 रुपए के लिए हो, सम काइंड ऑफ मनी, सम काइंड ऑफ समथिंग, कुछ धन इन्वॉल्व हो, तो आई थिंक ये ट्रेडिशन हमारे रहते ही है। सारे भगवानों की, सारे माता की आप पे कृपा रहे, चाहे वो लक्ष्मी माँ हो, सरस्वती माँ हो, कोई भी माँ मुझसे छूटी हो तो आई एम सो सॉरी, गणपति बप्पा, सारे भगवान जी, एंड यू हैव अ ग्रेट 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 दिवाली एंड अ कमिंग लवली न्यू ईयर टू, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। बिना रोशनी के और बिना सजावट के दिवाली का त्यौहार तो पूरा हो ही नहीं सकता। अब माना कि आप काम में व्यस्त हैं, भाई क्या करें, आजकल तो दिवाली के दिन भी लोगों को काम करना पड़ता है, लेकिन दिवाली नहीं मना सकते ये कहाँ लिखा है। अब देख लीजिए कुमकुम भाग्य में हमारी मुग्धा चापेकर जो है वो किस तरह सीरियल के सेट पर ही मना रही है दीपावली का त्यौहार खास सास बहू और साजिश के साथ। हैप्पी दिवाली।
जी हम शूट कर रहे हैं, बहुत बिजी दिवाली रहने वाली है, हम शूट करेंगे तभी तो अच्छे अच्छे एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे। घर पर तो ऑफकोर्स दिवाली तो मनेगी ही, और यहाँ पे आज इस साल स्पेशल दिवाली है क्योंकि यू नो सेट पे भी दिवाली मनाई जा रही है, शूटिंग भी हम दिवाली का ही कर रहे हैं, और सच में दिवाली भी आ गई है तो अच्छा मौका है साथ में दिवाली सेलिब्रेट करने का। और आई एम वेरी हैप्पी कि SBS के साथ यू नो दिवाली मना पा रही हूँ इस साल। बहुत सारा सामान है, आप देखिए, आप अभी पैन करिए, आपको बहुत सारे रंग दिखाई देंगे रंगोली के, और दिवाली मतलब दिवाली की शुरुआती होती है लक्ष्मी पूजन से, सो यू नो चित्र है लक्ष्मी जी का, गणपति बापा का और सरस्वती माँ का, और फूल है, फूलों के बिना तो हर त्यौहार अधूरा है, तो फूल भी है, दिए हैं आप देख सकते हैं, और दिए के साथ जो तैयारी है दिए की वो है। सो आज हमारी छोटी सी हम दिवाली मनाने वाले हैं यही मेकअप रूम में सेट पे, सो आई थिंक हमें शुरू करना चाहिए, यू नो तैयारी शुरू करनी चाहिए, चलिए शुरू करते हैं दिवाली। ये तो मेरा लुक है दिवाली का जो आप देख ही रहे हैं अभी यू नो एपिसोड्स में। बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं हम सबके जीवन में लक्ष्मी जी, सरस्वती जी एंड ऑफ कोर्स गणपति बापा तो है ही। लक्ष्मी जी से लक्ष्मी आती है जो सभी को पता है, डेफिनेटली सरस्वती माँ का बहुत महत्व है जीवन में, जो विद्या होती है वो उनसे पाई जाती है, ज्ञान है उनसे पाई जाती है, और गणपति बापा तो आराध्य देवत है और बुद्धि के देवता माने जाते हैं, सो बापा तो है ही, बापा के बारे में तो मुझसे ना पूछो तो ही बेटर है, सो बहुत महत्व रखते हैं स्पेशली दिवाली में, जीवन में बहुत महत्व रखते हैं गणपति बापा, सरस्वती माँ और लक्ष्मी जी। शॉर्ट रेडी है और बहुत जल्दी जल्दी में यू नो सेलिब्रेशन करना पड़ा है, तो थोड़ा सा यू नो रंगोली का स्वस्तिक बना के दिया जलाया, कहते हैं कि दिया ज़मीन पे डायरेक्टली नहीं रखते, यू नो स्वस्तिक बनाना पड़ता है, शुभ होता है, सो यार छोटी सी तैयारी की है, घर पर जाने का तो समय नहीं है तो मेकअप रूम में ही। ताज बहु साजिश के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी एंड सेफ दिवाली। देखिए आज का दिन तो है ही स्पेशल, दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं, और ऐसे में भैया ऐसे रूठे रूठे बैठे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो खास आपको मनाने के लिए हम भी लाए हैं ये दिवाली वाली रिपोर्ट। दिवाली का मौका है और चारों तरफ पार्टियों का न्योता है, तो ऐसे में एक और पार्टी के नज़ारे देखिए। ये पार्टी है टी सीरीज के कृष्ण कुमार, तान्या कुमार और सिंगर गुरु रंधावा की। इनकी इस दिवाली पार्टी में खूब सारे सितारों ने शिरकत की।
कुछ छोटे पर्दे के सितारे तो कुछ बड़े पर्दे के सितारे, कई सिंगर दिखाई दिए तो कई प्रोड्यूसर्स भी इस पार्टी का हिस्सा बने। ओवरऑल ये पार्टी बड़ी धमाकेदार थी, क्योंकि पार्टी दिवाली की है और दिवाली कभी फीकी थोड़ी ना होती है। बहुत टाइम बाद मैं बाहर निकली हूँ एंड फॉर दिवाली पार्टी, एक्चुअली इट्स वन ऑफ माय वेरी फर्स्ट दिवाली पार्टीज इन मुंबई एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम थैंक्स टू गुरु रंधावा, ही पर्सनली इनवाइटेड एंड ही इज अ फ्रेंड एंड नेक्स्ट टाइम आई मीन वी गोना हैव मोर फन। आज तो बहुत बिजी था एंड यू नो पैर रखने की जगह नहीं थी, बट मैंने जितना डांस किया अपने फ्रेंड्स के साथ यू नो इट वाज नेक्स्ट लेवल, सो इट वाज अमेजिंग। ये दिवाली वाकई हैप्पी दिवाली रही। मुंबई से रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मिठाई के कोई त्योहार तो पूरा हो ही नहीं सकता, लेकिन जिस तरह होली पर बिना गुजिया के मजा नहीं आता, गणेश उत्सव पे बिना मोदक के मजा नहीं आता, वेल दिवाली पर टेक्निकली हैव अ फील्ड डे। जी हाँ, जो मिठाई पसंद है वो लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा कोई चलन नहीं है कि यही मिठाई खानी चाहिए और ये नहीं खानी चाहिए। जी हाँ, मन खुश कीजिए और दिवाली मनाइए। वैसे हमारी पुचकी की गलियों में कैसे दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है, चलिए जानते हैं। लाल जोड़े में सजी ये दुल्हनिया आज सबसे जुदा होकर दिवाली मनाएगी अपने सैया के साथ। जी हाँ, अस्मिता और शान की ये दिवाली बहुत ही दिल वाली है। इस दिवाली इनके दिल एक बार फिर से जो मिलने वाले हैं। भाई हमने सोचा कि मौका अच्छा है तो क्यों ना चौका मार दिया जाए, इसीलिए दिवाली सेलिब्रेट करने पहुंचे अस्मिता और शान के पास। हैप्पी दिवाली! क्या सेट से ही मनाई जा रही है? मतलब पहली बार दुल्हन को हम देख रहे हैं फुलझड़ी और सब कुछ जलाते हुए। ये सिर्फ ये तेरी गलियां पे ही हो सकता है। यस, एक्चुअली मुझे एकदम बचपन की याद आ गई, बिकॉज ये फुलझड़ी फटाके ये सब मैं बचपन में जलाया करती थी। मेरे को काफ़ी साल हो गए कि मैंने क्या बड़ा वाला हाँ हा? पर एक बार मेरे मुंह पे ही फूटने वाला था, एक सेकंड डीले हो गई, तो फिर उसके बाद मुझे डर लगने लग गया था, तो फिर मैं नहीं फोड़ा, पर मैं फोड़ती थी। ठीक है, सारी स्टोरीज इसी के साथ होती हैं, ऐसी चीज़ मैं यूनिक हूँ। खूबसूरत दुल्हनिया को देखे तो उस पर से नजर ही नहीं हट रही थी, और उस पर जब दुल्हनिया का चांद उसके साथ हो तो दिवाली तो जगमग होगी ही ना। दिवाली के मौके पर इन दोनों से जानना चाहेंगे दिवाली की क्या यादें हैं, और खास करके शान आपसे कि ये पटाखा कुड़ी आपको क्यों जचती है। वेल देखिए, ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी आउटफिट हो ये अच्छी ही दिखती है। अब दिवाली के मौके पे इतना ये सजी हैं, अब आप सोचो सबसे बड़ा पटाखा कहाँ है इस वक्त, सिर्फ ये तेरी गलियां में।
सबसे बड़ा पटाखा हमारे पास है, ये देखो। मैं इसको बोलूँगा वो चटाई बम है, ये चटाई बम है। ये ऐसा होता ना कि बाकी बम क्या होते हैं, एक बार आए आवाज़ क्या बूम फूट गए खत्म, नहीं ये जब स्टार्ट होती है ना तो बहुत लंबी चटाई होती है। हाँ, अब उम्मीद करते हैं कि दिवाली पर दिल मिल गए हैं तो इनकी घर गृहस्थी भी सुख शांति से बीतेगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कहिए, यूं जगमगाहट देखकर तो दिवाली वाली फील आती है, लगता है कि त्योहार है और त्योहार मनाना तभी अच्छा लगता है जब आपके साथ अपने हो। तो चलिए ना दिवाली का ये त्योहार मनाते हैं कुंडली भाग्य की प्रीता यानी श्रद्धा आर्या के साथ भी। दिवाली वाले दिन तो काम करना बहुत ही अच्छा होता है और मैं धनतेरस वाले दिन भी काम कर रही थी और आई थिंक ये साल और भी लकी हो गया क्योंकि दिवाली वाले दिन भी काम हो रहा है, टेलीकास्ट इशू है तो नो छुट्टी, तो यहीं पे हम दिवाली मना रहे हैं और कोई कमी नहीं लग रही है दिवाली में। मम्मी पापा के साथ जाकर घर पे मना लेंगे और यहाँ जहाँ से जहाँ लक्ष्मी माँ एक्चुअली हमें ब्लेस करती हैं और जिनकी वजह से लक्ष्मी हमारे घर आती है उनके साथ दिवाली मनाने में कोई बुराई नहीं है। फूल तो है ही माँ को चढ़ाने के लिए। आज पूजा के लिए मैं माँ की चुनरी और लावा मिठाई अक्खा धनिया, ये मतलब लक्ष्मी माँ का ही फूल माना जाता है लोटस, और इस फूल के बिना मतलब कहते हैं कि हमारी जो पूजा है वो अधूरी है क्योंकि जो उनको प्रसन्न करने की चीज़ है इसमें सबसे ज़्यादा वो है ये फूल। एंड आई एम श्योर आज माँ खुश हो रही होंगी। आज लक्ष्मी माँ का प्रवेश होता है, जहाँ भी पूजा होती है उधर लक्ष्मी माँ खुद स्वयं आके दर्शन देती हैं, तो मैंने अपनी जो डायरी है जिसमें मैं अपना शेड्यूल लिखती हूँ, जिसमें मैं अपने कॉल टाइम्स और डेली कितने दिन छूट हुआ मैं वो लिखती हूँ, काम की जो मेरी नोटबुक है वो मैंने यहाँ पर रखी है। दिवाली मेरे लिए मेरा फेवरेट फेस्टिवल है और बहुत सारे लोगों के लिए है, स्पेशली मैं दिल्ली की हूँ, दिल्ली में दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, जिस तरह मुंबई में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है उससे भी बढ़कर दिवाली मनाई जाती है। बहुत कृपा रही है और बहुत अच्छे दिन दिखाए हैं और मैं यही मांगना चाहूँगी कि मुझे मेरी फैमिली को जो आसपास लोग हैं जिन्हें मैं इतनी मेहनत करते हुए देखती हूँ बस खुशियाँ रखें, पीस रखें।
एबीपी न्यूज और SBS के सारे फैंस और व्यूअर्स को अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आई होप आज आप घर पे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, पूजा की तैयारियाँ कर रहे हैं और बहुत खुश हैं अपने परिवार के साथ। और मैं यही मांगूंगी आप सबके लिए कि आप इसी तरह खुश रहें, हर दिन आपके लिए आपके दिल में दिवाली की तरह हो और खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में बस बरकरार रहें। और ये लक्ष्मी माँ और गणेश जी की तरफ से फूल आप पर बरसते रहे, खुशियों के फूल। हैप्पी दिवाली। ये है ABP News, आपको रखे आगे।